हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई नो बैकग्राउंड कुछ यूनिक सा करा है मैंने, होप सो आपको ये यूनिक बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एक बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर को, जिसका नाम है दो और दो प्यार। जी हाँ, इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है। इसमें विद्या बालन मैम होने वाली है, प्रतीक सर होने वाले हैं, इलियाना मैम होने वाली है, और भी वगैरह वगैरह स्टार कास्ट है। ठीक है, और ये 47 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। अभी 2 दिन पहले आया था ये, और अभी भी ट्रेंडिंग सेक्शन में 47 नंबर पे है ये, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मैं ये आज 8 अप्रैल को रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ आई नो मैं 2 दिन लेट हूँ, इसलिए देखो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज छुपा नहीं रहा हूँ। एंड 2 मिनट 19 सेकंड का है, 4K में, सब टाइटल्स में अनेबल नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में होगा, मजा आएगा। एंड हो सकता है ये 18+ हो सकता है, टाइटल से तो देखकर ऐसा लग रहा है। सो देखते हैं, टाइमिंग करते हैं कैसा होने वाला है। इन 3, 2, 1 चलो। ओके, मुझे नफरत है तुम्हारे बेगुर पोस्तों से। मुझे भी नफरत है तुम्हारे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से। पूरे किचन को तुमने किराने की दुकान बना दिया। What's wrong with stainless steel? तुम क्या दिक्कत है तुम्हारी स्टेनलेस स्टील से? और हम चलो। अच्छा, पति पत्नी आई और आपसी रंजिशें हैं बहुत सारी। तुम हमेशा मेरे सार पे बेटी हो। क्या? You are always on my mind. हिंदी का मर्डर करना बंद करो। Happy anniversary, रोजी। अच्छा, मतलब अफेयर चल रहे हैं। वापस जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। You know you have to tell him sometime, right? I know. Grow spine, Anirudh. Tell her, otherwise it's over between us. Just don't know how to tell him. आधी जिंदगी बताई हमने साथ में। बेड छोटा नहीं लग रहा? बदल दिया क्या? बेड तो सेम है, but I guess हम इस पे सोते हैं कहाँ थे? उस रात तुम सिल्क स्मिता वाली नाइटी नहीं पहन के आती, कुछ नहीं होता। मैं तो पहन के आई थी, उतारी किसने? अरे अफेयर किसके साथ होगा? मेरी बीवी के साथ चल रहा है क्या? काश मुझे पता होता कि बात दोनों में से बोलो किसे। कंफ्यूजन मेरा ही होगा है ना। अरे गेस किया था, गेस के नाम से। दो और दो प्यार। उसको सेक्स के बाद चिकन अलाउड है क्या? उन्नीस अप्रैल को मूवी आ रही है, एंड सॉरी ये अलार्म बजा था उसके लिए सॉरी, ये किसी चीज का रिमाइंडर होगा शायद से। अच्छा लग रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, बीच में मतलब इन दोनों के मतलब जो हमें सीन्स में देखने से पता चला, पहले तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि आपस में बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के वो अफेयर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, मैं विद्या बालन मैम का भी चल रहा है, एंड इन विक्रांत वो प्रतीक सर का भी चल रहा है, क्या बात है। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज इनके साथ हुई, ऐसी चीज का क्या मतलब, वो जो ये बेड वाला सीन है कि ये सर कह रहे हैं कि तुमने बेड चेंज कर दिया है क्या? बेड चेंज नहीं किया है, बेड तो वही है, लेकिन हम कभी दोनों एक साथ कभी नहीं सोए। सो वो चीज ने ट्विस्ट लाया इनकी लाइफ में, एंड आप देख सकते हो फिर इन्होंने मजे लिए। ठीक है, तो इलियाना मैम उल्टा सामने से बोल रही है सर को, तुम्हारा अफेयर चल रहा है तुम्हारी बीवी के साथ। उन्होंने ये बात क्यों बोल दी, तुम्हारा तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है? फिर इन्होंने क्या एक्टिंग की है फुटबॉल खेलने की है ऑफिस वालों के सामने, और उनके तो सामने, और उन पे उन्हें फोन पर बात करते हुए झूठ बोल रहे हैं वो बहुत तगड़े तरीके से। और ये कंफ्यूजन में भी है कि मैं ये बात किसे बोलूं कि मैं एक्चुअल किसी को प्यार करता हूं, तुम दोनों में से किसको प्यार करता हूं, मैं ये बात किसे बोलूं। वो इस धर्म संकट में फंस चुके हैं, उन्हें भी करते हैं वो कहीं ना कहीं पसंद, एंड वाइफ को तो करते ही हैं कहीं ना कहीं पसंद, मतलब करते ही हैं कहीं ना कहीं का क्या मतलब। तो या कन्फ्यूजन है, देखते हैं कैसे कन्फ्यूजन सॉल्व होगी, या मतलब इन दोनों को उन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, मतलब एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारा भी क्या अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हारा भी अफेयर चल रहा था, एंड देन वो तो होगा, वो तो
ट्विस्ट वहां आएगा कि कैसे एक दूसरे को अब मतलब संभाल पाते हैं, अब खुद को संभाल पाते हैं, ये चीज जानने के बाद ये देखकर पता चलेगा। बाकी अभी तक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, शॉट्स, सीन्स अच्छे लग रहे हैं एंड आई रियली लाइक इट। और मूवी की रिलीज डेट 19 अप्रैल आ चुकी है एंड आज 8 है, कुल आज से 11 दिन बाद, हाँ शायद से 11 दिन बाद शायद मैंने सही काउंटिंग की, ठीक है, वैसे मैच में बुरा हूँ मैं खुद से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ तो 11 दिन बाद मूवी आ रही है, अपने रिमाइंडर सेट कर लो, देखते हैं हमारे एरिया में लगती है कि नहीं। बाकी तुम जोर से अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नजरिया, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है मेरा नजरिया, तो बताओ अपना नजरिया, अपना नजरिया बताओ, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपना नजरिया बताए कमेंट बॉक्स में लिख करके, आपको ये रिएक्शन कैसा लगा ये ट्रेलर का, ठीक है। बाकी मैं चलता हूँ, ले तलविदा, तुम बताओ अपना ओपिनियन इसके बारे में, ठीक है, सुझाव दो इसके बारे में, और तुम देखने जाओगे कि नहीं ये भी बताना। बाकी हम चलते हैं, ले तलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।